देश में हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिंदी भाषा की महत्ता को बनाए रखने के लिए देश विदेश में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। राजधानी शिमला में भी हिंदी दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के कानून मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। अपने उद्बोधन में आप आज भी कह रहे थे कि अभी भी सुधार की आवश्यकता है। जी, हिंदी हिमाचल प्रदेश में 1978 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शांता कुमार जी के आदेशों के अनुसार सभी विभागों में राज्य कार्य की जो है वो भाषा के रूप में प्रयोग होनी चाहिए, ऐसा आदेश हुआ था। लेकिन कालांतर में जो है वो हिंदी का वर्चस्व बन नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक इंटरव्यूज की जो है वो भाषा हिंदी या अन्य भाषा नहीं हो जाती है, और हमारी जो शिक्षा नीति है उसमें भी मातृभाषा और राजभाषा को जो है वो उचित जो है वो बोलचाल का स्थान नहीं मिलता है, तब तक पूर्ण रूप से हिंदी जो है वो राज कार्य में जो है वो उपयोग नहीं हो रही है। देखिए, आज भी उच्च न्यायालय और यहाँ तक कि जो निचले न्यायालय हैं वहाँ की भाषा जो है वो अंग्रेजी है। जब तक न्याय व्यवस्था जो है वो राजभाषा में नहीं होगी, तब तक जो है वो मैं समझता हूँ कि हिंदी राष्ट्रभाषा के रूप में जो है वो उस स्तर को प्राप्त कर सकेगी जिस स्तर को उसे प्राप्त करना चाहिए। राजकार्य में तो हिंदी का प्रयोग होना ही चाहिए, लेकिन बाकी भी जो राज से संबंधित काम है उसमें भी हिंदी का प्रयोग हो, ये आवश्यक है। सर, पिछले कल कांग्रेस की एक बड़ी पत्रकार वार्ता थी और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा की बी टीम है और भाजपा वोट काटने की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी को आगे करना है। पता नहीं आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि हमारे वोट काटने के लिए कांग्रेस जो है यहाँ पर लड़ रही है, अदरवाइज कांग्रेस के पास तो कोई नेतृत्व ही नहीं है, कोई नीति नहीं है, आज तो सारे देश में खत्म हो रही है, तो इसलिए हिमाचल में सिर्फ आम आदमी पार्टी ना बढ़ सके इसलिए कांग्रेस जो है चुनाव लड़ रही है। तो ये इन दोनों की आपस की लड़ाई है। हम पहले से कह रहे हैं कि ये सेकेंड पोजिशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए ये कुछ भी इस प्रकार के जो है वो शब्दों का प्रयोग या आरोप जो है लगा सकते हैं, इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस कितनी। एंस्टा न्यूज़ के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट।